subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. So hi Sakshi, how are you? I'm good, very very well, very excited, happy. Okay, सबसे पहले तो वेलकम टू पॉप बॉलीवुड. मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एजाज को इम्यूनिटी स्टोन मिल चुका है, अब वो फाइनलिस्ट बन चुके हैं टॉप फोर, इज नंबर फर्स्ट, क्या कहना चाहेंगी? यार एक तो शुरू से एजाज पूरे गेम में नंबर वन ही चल रहा था, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ बीइंग एक्साइटेड टू बी इन द गेम, सब कुछ में वो नंबर वन ही चल रहा था. और अब वो नंबर वन कंटेस्टेंट है फिनाले में पहुंचने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है. एक अलग फीलिंग होती है, लाइक आई हैव एक्चुअली नेवर फेल्ट सो ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस, बिकॉज आई हैव सीन दैट बॉय गॉन लाइक गोइंग थ्रू सो मच इन हिज लाइफ एंड हाउ मच ही वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस एंड हाउ मच एफर्ट ही हैड पुट इन टू बी देयर. मुझे सब कुछ दिख रहा था उसका, बिकॉज आई एम हिज फ्रेंड, तो मैं देख सकती थी वो कितना एफर्ट डाल रहा है. तो एक बहुत ही प्राइड वाली फीलिंग है कि मेरा दोस्त जो सक्सेस चाहता था वो उसे मिल रही है. सो बहुत अच्छा लग रहा है. और ऑब्वियसली एक अलग ही फीलिंग होती है अगर आपका कोई जान पहचान का फ्रेंड या फैमिली नंबर वन पोजीशन पे फिनाले वीक में चला जाए, जबकि उसे वो इम्यूनिटी स्टोन नहीं मिला था, उसने फिर से अपने एफर्ट से उसको जीता. सो बहुत अच्छी फीलिंग है. अगर एजाज ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को इमोशनल कर गई अपने पास्ट के बारे में, अपने बचपन के बारे में, तो आपको कुछ उसका आइडिया था क्योंकि आप उनकी बहुत ही पुरानी फ्रेंड है? देखिए पूरा इंसिडेंट तो नहीं पता था, बट आइडिया था, बिकॉज एजाज शेयर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स विद मी. Because both of us have had a similar sort of childhood and upbringing and everything, so we relate to each other in terms of mental well-being. So, थोड़ा आइडिया था, बट ऑब्वियसली इन डेप्थ उन्होंने अपने थेरेपिस्ट को बताया था जो उन्होंने कल कहा, एंड देख के बहुत रोते हुए उसे देख के बहुत बुरा भी लगा. बट बिकॉज आई नो वॉट इट फील्स टू बी अंडर डिप्रेशन, एज आई नो फ्यू पीपल हु हैव गॉन थ्रू इट एंड हैव सीन एजाज ऑल्सो गो थ्रू इट. ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट था एजाज के लिए कि उसने उस इंसिडेंट के बारे में बात करी. यू नो जो डिप्रेशन पेशेंट्स होते हैं ना, वो अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंसील करते हैं, और एजाज ने कल वो बैरियर को क्रॉस कर दिया. तो आई एम थैंकफुल टू बिग बॉस कि उन्होंने एजाज के दिल से वो चीज़ें निकलवाई और वो रोया, उसे अपने इमोशंस दिखाए. तो ये बहुत ही अच्छी बात है, एंड आई समवेयर फील कि अब वो ट्रूली डिप्रेशन फेज से बाहर आ रहा है. मतलब आई वोंट से 100%, बट आई विल से 90% वो इस चीज से जीत चुका है. अच्छा साक्षी, जैसे कि आपने कहा कि आपको ऐसा अंदाजा था, तो ऐसी क्या चीजें हुई थी या फिर ऐसा क्या करते थे जैसे आपको लगता था कि नहीं ही इज वेरी मच इनटू डिप्रेशन या फिर कुछ तो गलत है इनके साथ में? एजाज को एक तो टच, आई वाज सेइंग कि एजाज को एक तो मुझे एक बहुत एविडेंट था कि एजाज के जब एजाज रूम में सोता था अपने, तो बोलता था डोंट एंटर माई रूम, जस्ट सडनली जस्ट लाइक कॉल मी बिफोर यू आर एंटरिंग माई रूम. सो मतलब उसको टच से बहुत प्रॉब्लम होता था, एंड उसको टच मतलब एक सडन टच होता है ना, एकदम से जाके सोते हुए इंसान को आप ऐसे टच कर दो. कैन यू हियर मी? या या आई कैन हियर यू. ओके, सो ऐसे उसे होता था. दूसरा वो उसके इमोशंस बहुत रेडिकल होते थे, कभी कभी वो एकदम से चुप हो जाता था. मतलब चुप मतलब एक पूरा पूरा 24 आवर्स ही वो जस्ट कीप क्वाइट, he wouldn't talk, सिर्फ कट टू कट आंसर देता था. तो हाँ ऑब्वियसली एविडेंट था कि कुछ प्रॉब्लम है. और हाँ और भी चीज़ें थी, बट आई थिंक दोज आर वेरी पर्सनल, एंड आई थिंक डिप्रेशन इज समथिंग दैट जो इंसान उस चीज़ से गुजरा होता है, आई थिंक ओनली ही हैज़ द राइट टू स्पीक अबाउट इट, नॉट मी. कल कविता कौशिक ने कमेंट किया कि जब भी वो मेरे घर पे या फिर बर्थडे पार्टी में या फिर कभी कोई पार्टी में मिलता था, वो लोगों को हंस के गले लगाता था. कहीं ना कहीं उस चीज़ का उन्होंने अगेंस्ट बोला, उन्होंने बोला कि अब पता नहीं वो इससे क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो हमेशा लोगों को हंस के गले लग के मिलता था. शायद वो डिप्रेशन का मतलब ही नहीं जानती है, शायद वो डेप्थ ही नहीं जानती कि
ये प्रॉब्लम कितनी डीप रूटेड होती है और ये इंसान को कितना अंदर से खा जाती है. जो इंसान डिप्रेशन में होता है वो इंसान सबसे पहली चीज जो सीखता है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंसील करना सीखता है. उसे कितनी भी प्रॉब्लम हो वो ऐसा चार चीजें ज्यादा करेगा ये दिखाने के लिए कि उसे ये प्रॉब्लम नहीं है. और किसी के घर अगर आप जा रहे हो तो आप क्या करोगे, ओ शिट लिसन वेट मेरे को गले मत लगाना, वो ऐसे थोड़ी ना करेगा. ही डजंट वांट पीपल टू नो दैट ही इज गोइंग थ्रू इट. सो ऑब्वियसली जो भी कल कविता ने बोला आई थिंक दैट वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल नॉट ओनली टुवर्ड्स इजाज बट टुवर्ड्स एवरीबॉडी हु इज फेसिंग इश्यूज लाइक दैट बिकॉज उन्हें आई डोंट थिंक शी इज सेंसिटिव टुवर्ड्स एनीबॉडी हु इज गोइंग थ्रू अ मेंटल हु इज मेंटली नॉट वेल हु इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन हु इज गोइंग थ्रू अदर इश्यूज. आई थिंक शी इज वेरी इनसेंसिटिव और मुझे लगता है ये पूरा टाइम जो उन्होंने ये चीज करी थी कि हाँ मैं इजाज के साथ शायद अपनी रिलेशनशिप्स को ठीक करना चाह रही हूँ या क्या 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 क्या, आई थिंक दैट वॉज जस्ट अ फसाड वेयर शी हैड. आई थिंक कहीं ना कहीं हर इंसान को सबकॉन्शियस माइंड में पता ही चल जाता है कहाँ आप सही हो कहाँ आप गलत हो और शायद उनको रियलाइज हो गया होगा कि वो इस पूरी जर्नी में गलत थी तो वो अपनी इमेज सुधारना चाह रही होंगी. बट कल के कमेंट के बाद तो भाई गारंटी होगी इस चीज की कि शी डजंट वांट टू सॉल्व एनी इशू, शी इज दिस पर्सन, शी विल बी दिस पर्सन. साक्षी इस वक्त एजाज को जो सबसे ज्यादा बात जो डर रहे हैं एजाज वो है कि उनके अब्बा को ये चीज पता चल गई है तो उनका रिएक्शन क्या होगा एंड वो किस तरीके से कहेंगे. अच्छा आपकी कोई बात हुई उनसे या फिर क्या कहना चाहेंगे? क्या एजाज के जो फादर है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, ही इज़ वेरी स्वीट एंड ही स्टिल थिंक्स एजाज इज़ लाइक लिटिल बेबी. मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करती बट जब मैं बात करती हूँ कभी मतलब साल में 2-3 बार मेरी अंकल से बात होती है जब कुछ काम होता है या क्या. सो अंकल हमेशा यही बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है एजाज फ़ोन नहीं उठाता एंड इफ़ अंकल नोज दैट ही इज़ अराउंड मी तो वो मुझे फ़ोन करते तो वो हमेशा ऐसे बोलते हैं अरे बेटा ऐसे थोड़ी ना होता है 45 ईयर्स का हो गया तो क्या हुआ, मेरा बच्चा तो मेरा बच्चा ही रहेगा ना. सो वो ये ही इज़ वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स एजाज एंड आई थिंक एजाज इज़ नॉट स्केर्ड कि वो क्वेश्चन करेंगे उसको कि भाई क्यों नहीं बताया. आई थिंक एजाज इज जस्ट स्केर्ड बिकॉज ही नोज हिज फादर इज़ सो इमोशनल तो वो इमोशनली किसी ट्रॉमा से ना गुजरे. तो आई थिंक दैट्स व्हाट एजाज मेंट बाय यस्टरडेज थिंग एंड आई थिंक व्हेन एजाज इज गोइंग टू कम आउट हिज रिलेशनशिप विद हिज फादर इज डेफिनेटली गोइंग टू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग. उनकी पूरी गेम कैसी लग रही है आपको एजाज की? बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि मुझे कहीं एजाज में फेकनेस दिखाई नहीं दे रही, बहुत अच्छे से वो गेम को खेला है पूरी ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस के साथ. और मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लग रही है कि एजाज कॉन्स्टेंटली अपने इश्यूज को नेशनल टेलीविजन पे डिस्कस कर रहा है टू बिकॉज एज एन एक्टर इट इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैंस ऑल्सो क्योंकि एक्टर्स को फैंस अपना आइडल मानते हैं इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली, वो आंखें बंद करके अपने आइडल को फॉलो करते हैं. अगर एजाज जैसे स्टैचर का एक्टर ये नेशनल टेलीविजन पे बोल सकता है दैट आई हैड फाइनेंशियल इश्यूज, आई थिंक इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल हिज फैंस कि आपको भी फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं पर आप उन फाइनेंशियल इश्यूज से उठ सकते हैं. ही स्पोक अबाउट मोलेस्टेशन विच इज़ बहुत सारे लड़के इस बारे में बात नहीं कर पाते, मोस्टली लड़कियाँ इस बारे में बात करती हैं और लड़कों के ऊपर भी बहुत मोलेस्टेशन होता है और लोग इसका मजाक उड़ा के रखते थे. तो आई थिंक जो भी एजाज इस गेम में कर रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के कि एजाज इस बिग बॉस का बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं और वो अपने ऑडियंस की तरफ अपने फैंस की तरफ बहुत रिस्पॉन्सिबल है. साक्षी हम बात करते हैं जिस तरीके से एजाज जब बिग बॉस के घर में गए थे तो अभिनव शुक्ला को देख के बहुत ज्यादा खुश हुए थे वो, पर कहीं ना कहीं अभिनव और रुबीना दोनों जन एज अ कपल गए थे तो एजाज का रुबीना के साथ में इतना नहीं बन रहा था तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा उन्होंने अपना ये जाहिर किया था कि वो रुबीना को भाभी बोलना चाहते हैं एंड अभिनव को भाई बोलना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे वो बॉन्ड हमें बनती हुई नहीं दिखी. पर अब जो इक्वेशन से सब चेंज हो रही है अब तीनों के बीच में कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप जो है वो जगह ले रही है, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो हुआ था उस टाइम पे आई थिंक पहली बात तो रुबीना इज अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड
अगर अभिनव सच में इजाज की रिस्पेक्ट करते जितनी इजाज उनकी करते थे, तो वो अपनी वाइफ को कन्विंस करते इस चीज के लिए कि नहीं, मैं उस इंसान को पहले से जानता हूँ, वो इंसान अच्छा है। अभी जब आपको दिख रहा है कि इजाज खान इतना गेम में स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तब आप उनसे फ्रेंडशिप कर रहे हैं, तो ये आपका ही गेम प्लान है। आई थिंक नोबडी इन दैट गेम वॉज ट्रू टूवर्ड्स इजाज, नोबडी, टॉप टू बॉटम नोबडी वॉज ट्रू बिसाइड्स जान। उसके अलावा उसकी तरफ कोई सच्चा इंसान नहीं था, सबने उसका यूज किया है, सब लोगों ने, क्योंकि अभी आप भी ऑडियंस है, आप भी देख रहे हैं कि इजाज सच में बहुत अच्छे से खेल रहा है और वो अलग ही शाइन कर रहा है। एक क्राउड है, एक भीड़ के अंदर वो अलग ही है बिल्कुल। सो आई थिंक रुबीना एंड अभिनव, आई डोंट थिंक इनिशियली दे वर प्लेइंग राइट विद इजाज, एंड आई डोंट रियली अप्रिशिएट अभिनव फॉर द वे ही बिहेव विद इजाज, क्योंकि कॉन्स्टेंटली उन्होंने इजाज की बेइज्जती करी है, और उनके जो फ्रेंड्स हैं आउटसाइड टेलीविजन इंडस्ट्री के, उन लोगों ने भी कुछ ऐसे कॉमेंट्स किए थे जो बहुत गलत थे। बट यू नो, बहुत ही ज्यादा मेरे को प्राउड फीलिंग होती है, मेरे दोस्त ने इन सबके मुंह पे चांटा मारा है अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से। अच्छा, कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे थे कि एजाज और पवित्रा का जो रिश्ता है वो मतलब सिर्फ और सिर्फ फेक रिलेशनशिप है। आप एजाज को पहले से ही जानती, तो आपको पता होगा कि जब वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उसके एक्चुअल फीलिंग क्या होती है। सो आपके हिसाब से वो कितना थ्रू था? यार देखो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकती हूँ कि ट्रूथफुलनेस ऑफ अ रिलेशनशिप, क्योंकि क्या होता है ना कि बिग बॉस रियल वर्ल्ड नहीं है, रियल वर्ल्ड बाहर है। जब आप एक घर के अंदर 3 महीने तक किसी खूबसूरत लड़की के साथ हैं और आप गुड लुकिंग हैं, वो लड़की आप में इतना इंटरेस्ट दिखा रही है, इनिशियली दिखा रही थी, फिर तो पता नहीं वो कुछ अलग ही बन गई, पता नहीं क्या हो गया उनको, उनके पापा अचानक देखने लग गए थे शो को, तो और उन्हें घर में रह के बाद पता चल गई, पता नहीं कैसे। बट एनीवे, आई थिंक इजाज वाज कंप्लीटली ट्रू टुवर्ड्स हर। व्हाई? बिकॉज़ देखो, अगर उसे इजाज को खेलना होता पवित्रा के साथ, वो डे वन से खेलता। इजाज के इमोशंस उस लड़की की तरफ धीरे 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 बढ़े, जब उसने देखा वो लड़की उसका ध्यान रख रही है, वो लड़की उसके सामने एटलीस्ट उसके लिए स्टैंड लेती है, तो इजाज के मन में उसके लिए इमोशंस आए। एंड ऑल्सो आई थिंक इजाज इज अ काइंड ऑफ पर्सन जिसे उसको ना सबकी लाइफ सुधारने की बहुत आदत है। वो ऐसी लड़कियों को पिक करता है अपनी लाइफ में कि जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो या क्या हो, तो जो जैसे पवित्रा जैसी लड़की जिन्होंने हाथ उठाया इजाज के ऊपर, जो गालियां देती हैं दूसरी लड़कियों को, शायद इजाज को ये लगने लगा होगा कि हाँ, मे बी शी हैज सम इशू, लेट्स ट्राई टू रिजॉल्व इट। बट आई रियली कांट से हाउ ट्रू द रिलेशनशिप इज, बट मैं अपने दोस्त के लिए बोल रही हूँ, जो भी इमोशंस उसके थे वो बिल्कुल ट्रू थे, 101%। आई कैन सी इट इन हिज आईज। वो जिस तरह से उसने पवित्रा को बाय भी बोला, ही वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट, ही वॉज लाइक ओके, लाइक वी आर सेइंग बाय बट आई एम गोना मीट यू आउटसाइड। सो His feelings were true. पवित्रा की आप पूछिए मुझसे, मैं आपको बताती हूँ बहुत सारी चीजें। तो पवित्रा की बता दीजिए। देखिए, मैं बहुत सालों, हम सब लोग इजाज के लिए बेस्टी चाहते हैं। इजाज एक बहुत खराब वक्त से गुजरा हुआ लड़का है, उसकी लाइफ में ना, आई एम गोइंग टू बी हिज प्रोटेक्टर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। सो हूएवर कम्स इन हिज लाइफ एंड टचेस दैट बॉय, वेदर अ गर्ल और अ बॉय, I am going to flip them upside down. They don't know who they are messing with. Not just me. Ijaz has his another best friend, Ali, who's in Germany. He's going to fly down. And like, we are so protective of Ijaz because nobody knows what that boy has gone through in last 5 years. And how did he get out of that door? Pavitra has done a lot of things in his house that were very wrong. First, you are seducing that girl. उसकी गोदी में जाके बैठ रही हैं, उसे किस कर रही हैं, एंड फिर अचानक जब वो लड़का आप में इंटरेस्ट दिखाता है, तो आप ये कहती हैं कि मेरे पापा देख रहे हैं। आप तो बिग बॉस के घर में हैं, तो जब आप सिड्यूस कर रही थी उन्हें बहुत ही फिल्मी तरीके से, तब आपके पापा नहीं देख रहे थे। जब आपको किस चाहिए होता है तो आप अपना गाल आगे कर देती हैं, तो पापा नहीं देखते। लेकिन जब इजाज आपको किस करे तो पापा देखने लग जाते हैं। ओके, उसके बाद राहुल ने जब उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा इजाज मेरी प्रायोरिटी नहीं है। I understand the fact कि गेम और प्यार आपने दोनों अलग रखा हुआ है। आप शायद बहुत ही इंटेलिजेंट, समझदार टाइप की रियल गेम प्लेयर हैं और आपने उन दोनों चीजों को अलग रखा हुआ है। The least I expected out of a girl who wants to be with my friend apparently should have said that, देखो मैं अपना गेम खेल रही हूँ, मैं यहाँ पे जीतने आई हूँ, इजाज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
पर अगर आप मेरे साथ अलायंस करोगे तो मैं आप लोगों के साथ आ जाऊंगी, मैं एजाज से अलग से बात करूंगी। आई वुड हैव रिस्पेक्टेड हर अगर वो एजाज के साथ अलग से जाके ये बोल देती कि एजाज देखो गेम खेलते हैं, बाहर जाके तुम्हारा और मेरा जो है हम वो कंटिन्यू करें। ठीक है, एक साइड आप ये कह रही है मेरे तो फियांसे हैं, फियांसे क्या हो, तो उनके हस्बैंड हैं। जब इजाज ने आपसे पूछा कि क्या आपकी शादी हुई है क्या, तो आप कह रही है एक्स फियांसे, फिर आप आपके तो। और एक ना मैं एक ऑडियंस से और फैन से एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं भी एक नॉर्मल लड़की हूँ और वो भी एक नॉर्मल लड़के, हम लोग कोई सेलिब्रिटीज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो बोल रहे हैं उन बातों में सच्चाई नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है। व्हाट हैव वी गॉट टू लूज? क्या उस आदमी को एक्टर बनना है कि वो नेशनल टेलीविजन पे आके ये बोलेगा कि मेरी शादी हुई है? वो अपनी इज्जत की धज्जियां क्यों उड़ाएगा? लोग क्यों नहीं इस चीज को समझते? वो आदमी भी जो बोल रहा है वो बिजनेसमैन है यार, उसको भी आगे पीछे किसी और के साथ शादी करके ही वांट्स टू सेटल डाउन। तो ये जो ऑडियंस कह रही है ना कि वो आदमी झूठा है, उसे वो चाहिए, फेम चाहिए, कि आपको कैसे पता, आपको कैसे पता वो झूठा है? पारस झूठा, प्रतीक झूठा, ये आदमी झूठा, सब झूठे, एक सच्ची पवित्र है ना। तो आप बताओ कि ऐसी, मतलब आई एम सो स्केयर्ड, क्योंकि मेरे दोस्त को जब प्यार होता है ना तो सच्चे दिल से प्यार होता है, और वो किसी के नहीं सुनता, वो सिर्फ लड़की को प्यार करेगा। बट अब बहुत ज्यादा डर लग रहा है ये सोच के कि पवित्रा के पास में कुछ ऐसी चीजें हुई जो मुझे नहीं लगता इजाज अभी झेल पाएगा। बट जो भी हो, अगर इजाज उसके साथ रहना भी चाहता है, आई विल स्टिल हैव हिज बैक। अच्छा, हम बात करते हैं इस वक्त एजाज को घर में बहुत ही अलग अलग नामों से बुलाया गया है, जैसे कि चिचा, फिर पवित्रा ने भी कई सारे नाम दिए, जैसे कि जिले इलाही खान साहब, फिर और भी रोमियो रैम्बो भी बोला गया उन्हें घर में, क्या कहना चाहेंगे? देखो उसको वैसे हम सब भी बहुत सारे नाम देते, वो टाइटल देने लायक इंसान है। और ये चाचा चाचा जो बोल रहे हैं उससे लोग, आई थिंक लोग उससे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि वो लोग चाहते हैं कि वो उसकी फैमिली बन जाए। बहुत दिल में प्यार है जाज के, सबको अपनी फैमिली मानता है, तो ठीक है चाचा है, 45 ईयर्स का है, हाँ है चाचा, बहुत सारे बच्चों का चाचा है वो, कोई बात नहीं, राहुल का भी बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, इट्स फाइन। और जहाँ तक पवित्रा के नामों की बात है, तो क्या पता उन्होंने और भी कितने नाम दिए हों, ये हमें नहीं पता, तो उन दोनों के बीच की बात है। एज ऑफ नाउ अंटिल इजाज डजंट कम आउट, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन पवित्रा एनी मोर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी शी इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर हिम, बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी विद द वे शी बिहेव विद हिम, आई एम नॉट हैप्पी विद द वे शी उनका, मतलब जब उन्हें लगने लगता था कि इजाज के अगेंस्ट हो गए लोग, तो वो इजाज के अगेंस्ट हो जाती थी, उनसे बात नहीं करती थी, कट लेती थी। जहाँ उन्हें लगने लगता था इजाज तो बहुत अच्छा खेल रहा है, इजाज तो जीत सकता है, तो वो उनके साइड चली जाती थी। तो आई थिंक दिस इज वेरी सिचुएशनल एंड यू नो वेरी कन्वीनियंट फॉर हर, तो उन्होंने जो भी नाम दिए आई डोंट रियली केयर। राहुल के नाम का मैंने आपको जवाब दे दिया, और खान साहब तो वो है। राइट, अच्छा आपको यह लगता है कि जब तक पवित्रा घर में थी तब तक उनकी जो गेम थी उनका एक लव एंगल दिखता था, लेकिन अब क्या वो थोड़ी से वीक हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने लिटरली, हम सब जानते हैं कि अभी आपने कहा कि जिस तरीके से वो अटैच हो गए पवित्रा के साथ में, तो क्या उनका गेम जो है थोड़ा वीक हो जाएगा, या आपके हिसाब से वो नो? आप देख रही है ना पवित्रा के जाते, इनफैक्ट उसके बेटर रिलेशन बन रहे हैं लोगों से पवित्रा के बाद, जाते ही फाइनली ही इज मेकिंग अलायंसेस विद पीपल। जब आप देखोगे तो जब पवित्रा से उसका एंगल बैठा था, उससे पहले वो गेम पे बहुत ज्यादा फोकस था और वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, जहां उसका एंगल बैठा वहीं पे वो ठप होता गया, ही बिकेम लाइक लो 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 लो। अभी पवित्रा चली गई है, आई थिंक ही इज फर्स्ट फाइनलिस्ट, ये तो अभी क्या बोलूं मैं इस चीज का, क्या जवाब दूं? तो आई डोंट थिंक पवित्रा वॉज ए स्ट्रेंथ, ही वॉज पवित्रा स्ट्रेंथ। अगर आप देखो गेम के अंदर तो इजाज ने बहुत पवित्रा का सपोर्ट किया, बहुत, और वो हर जगह चाहते थे कि पवित्रा आगे आए, क्योंकि इजाज के इमोशंस बहुत ट्रू थे पवित्रा के। स्टार्ट में जब हमने देखा था कि किस तरीके से एजाज और राहुल की अच्छी इक्वेशन थी, लेकिन अब वो पूरा इक्वेशन चेंज हो गया है। अब राहुल जिस तरीके से एजाज को हमेशा बोलते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे आपने सुना ही होगा किस तरीके से वो नाम देते रहते हैं, एंड अच्छा
अच्छा, कौन है राहुल? राहुल वैद्य. Who's he? What has he achieved in his life? The runner-up of Indian Idol. The person जिसके बारे में मतलब मैं ना इस तरह की इंसान नहीं हूँ कि मैं किसी को डिग्रेड करूँ. मैं इन लोगों के बारे में जो चीजें बोल रही हूँ ना, मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल ना आज सोनू बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि राहुल ने ना हर लिमिट को क्रॉस कर दिया. राहुल बोल रहा है जाज को कि तेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तू तू करके बात करता है. वैसे वो बोलता है मैं अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करता हूँ. आप अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं और अपने बड़े भाई की उम्र के लड़के, वैसे तो आप चाचा बोल रहे हैं उन्हें, आप तू तड़ाके से बोल रहे हैं, क्या रिस्पेक्ट करते हो यार आप किसी की? दूसरा आप उन्हें बोल रहे हो कि अभिनव के साथ कंधे पे हाथ रख के खड़ा था और बोलता है कि देखा है तू तू क्या कुछ समथिंग अबाउट हिज फिजिकल स्ट्रेंथ. भाई पहले टास्क में तो तुम थक गए थे, दूसरी बार चलो एजाज के सिक्स पैक्स नहीं है, फोर पैक्स तो है, दिखते हैं सबको, तेरे कितने पैक्स है, टी शर्ट तो उतार. फिर बता अभिनव के कंधे पे हाथ रख के क्या बोल रहे हैं, सारी टास्क किसने जीती? एजाज ने जीती, फिर भी तुम एजाज को बोलते हो. सो आई थिंक राहुल इज समबडी जिसको अपने आप को ग्रूमिंग की जरूरत है उसे. ही शुड गो टू अ फिनिशिंग स्कूल एंड ही शुड ग्रूम हिमसेल्फ. अगर मैं राहुल के बारे में चीजें बोलने लगूं, जो खुद निक्की ने बोला है गेम के अंदर कि राहुल उनको वॉइस नोट्स भेजते थे गाने वाले, आप गेम में आके तो किसी और लड़की को प्रपोज कर रहे हो. वैसे सारी लड़कियां जो गेम में थी वो यही बातें कर रही थी कि आप उन्हें वॉइस नोट्स भेजते थे, आप ये भेजते थे, आप लड़कियों पर लाइन मारते थे. तो यार आप अपना कैरेक्टर देखो यार दूसरों को बोलने से पहले. एंड मलाड का जस्ट FYI, ही इज अ चेंबूर बॉय जहाँ से राज कपूर आए थे, ठीक है? तो ये मलाड मलाड इट डजंट रियली मैटर. एंड इनहेरेंटली एजाज इज अ बैंड्रा बॉय एंड एजाज इज एन इंडियन. यू कैन बी फ्रॉम वेरेवर, हु आर यू? आई डोंट इवन केयर अबाउट राहुल एनीमोर. आई रियली सपोर्टेड हिम इनिशियली व्हेन ही वाज देयर एंड व्हेन इवन व्हेन ही हैड अ फाइट विद एजाज, व्हेन ही आस्क्ड आउट हिज गर्लफ्रेंड, आई हैड ट्वीटेड अबाउट हिम. बट आफ्टर वो रोज जो इतनी बदतमीजी से बात करता है, मेरे को बदतमीज लोग पसंद ही नहीं. आपको लड़ाई करनी है ना, आप सही तरीके से भी लड़ाई कर सकते हो, पर किसी इंसान को नीचा दिखा के आप जीत नहीं सकते. यार एजाज बहुत तमीजदार इंसान है. थोड़े मैं और अली, मेरे को और एजाज की जो दूसरे फ्रेंड है अली, हम दोनों को भेज दो एक बार गेम में, फिर हम बताएंगे कि कैसे गेम को खेला जाता है और क्या क्या बोला जाता है. तो हम उसके लेवल पे आके बात कर लेंगे उससे. नो वरीज. इस बार हमने देखा है कि इस बार लोग जो है उनके प्रोफेशन पे जा रहे हैं, कोई भी कुछ भी किसी को भी बोल रहा है, हर कोई एकदम पर्सनल पे जाकर लोगों को इस तरीके से गाली गलौज कर रहा है. एंड ऐसे पिछले सीजन में भी गाली गलौज होती थी, ऐसा नहीं कि नहीं होता था, लेकिन इतना नहीं होता था जितना इस बार लोग पर्सनल लेवल पे जा रहे हैं. आई थिंक ये लोगों की रियल पर्सनैलिटी. आप एजाज को देखो, उसने तो कभी किसी को अब्यूज़ नहीं किया, ना ही उसने कभी किसी के बारे में बुराइयां करी बैठ के. तो ये उन लोगों का रियल कैरेक्टर है. एंड जो नहीं करता वो नहीं करता. जो देखो मैंने तो एक्चुअली ना ऑनेस्टली मैंने ऐसे डिग्रेडिंग वे में बात करते हुए सिर्फ राहुल को देखा है, निक्की को देखा है, पवित्रा को देखा है, अभिनव को देखा है कुछ एक एक्सटेंट तक. बट जैस्मिन रुबीना बात तो सभी कर रहे हैं, एजाज नहीं करता बट सब बात करते हैं. बट ये तीन चार जने ऐसे हैं जो बहुत ही अजीब तरीके से बात करते हैं. कविता करती है. सो ये सब आई थिंक ये उन्हीं के कैरेक्टर को बताता है. और गुड ऑडियंस को पता चल रहा है कि उनके जो आइडल्स हैं वो कैसे हैं. एंड आई होप वो समझें इस चीज़ को कि यू शुड मेक सच पीपल योर आइडल्स. सो अभी मैं एक थोड़ा सा हटके एजाज से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आपसे. जैस्मिन और रुबीना की दोस्ती की बात करते हैं तो उन्होंने स्टार्ट में एक बहुत ही अच्छी दोस्ती दिखाई थी, एक अच्छी बहुत ही ज़्यादा बॉन्डिंग दिखाया था. लेकिन अब जब चीज़ें आगे बढ़ गई है, जब एक टास्क आया जिसमें वो लोग एक दूसरे के पर्सनल चीज़ों पर आ गई है, क्या कहना चाहेंगी ऐसी दोस्ती के बारे में? यार एक तो पहली बात है, आई डोंट थिंक बिग बॉस में ना आप प्यार कर सकते हो ना आप लड़ाई कर सकते हो, कि आप एक घर के अंदर हो यार जहाँ पर आप बाहर किसी से बात ही नहीं कर सकते कुछ नहीं. तो आई डोंट थिंक ये फ्रेंडशिप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी, तो ऐसे लोगों को नहीं सोचना चाहिए. और दूसरी बात ये कि एट द एंड ऑफ द डे वो दोनों इस गेम को जीतने आई हैं और उसके लिए साम दाम दंड भेद जो करना पड़े वो करेंगे. सो आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी अब गेम इस जगह आ चुका है कि वो दोस्ती में ये तो नहीं कहेंगे बहन तू जीत ले या तू जीत ले. दे विल ऑब्वियसली ट्राई टू विन देमसेल्व्स.
और अगर वो पर्सनल चीजें बोल रही है दैट्स देयर वे ऑफ फाइटिंग, जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया, वो वही है, वही उनकी असलियत है. सो इट्स देयर गेम प्लान आई थिंक. लास्टली एजाज और एली की दोस्ती कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है. आई थिंक अली इज टू क्यूट. आई एम गोना टेल एजाज मेक मी मीट दिस बॉय. बट आई थिंक इट्स दे आर वेरी क्यूट टुगेदर, दे आर फन. आई आल्सो लाइक द फैक्ट दैट अली रिस्पेक्ट्स द फैक्ट दैट एजाज इज अ सीनियर इन वर्क फ्रेटर्निटी, नॉट जस्ट एज वाइज. एंड ऑल्सो आई थिंक अली इज अ स्मार्ट प्लेयर. आई विश अली शुरू से होते तो वो अपने और ज्यादा हमें उनकी पर्सनालिटी देखने को मिलती. बट अभी तक मुझे अली और एजाज बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में. दोस्ताना टू में उन दोनों को कास्ट कर देना चाहिए. साक्षी फैंस से क्या कहना चाहेंगी एजाज के? मैं ये बोलना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो क्लासी, फॉर नॉट बैशिंग अदर फैंस, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो लॉयल, थैंक यू फॉर बीइंग सो सपोर्टिव. और मैं एजाज के जो नॉन सपोर्टर्स हैं उनसे बोलना चाहती हूँ दैट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू सपोर्ट एजाज. All I'm expecting you is to judge him for who he is, not on the ground of what your favorite contestant from the game is calling him. वो एक इंसान अच्छा है, जब लोगों को मदद की जरूरत होती है वो मदद करता है. तो प्लीज आप उसको उस हिसाब से देखिए. अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो आप उसके लिए कुछ खराब भी मत बोलिए, क्योंकि वो सच में मैं आपको It really melts my heart when I think about the fact कि एजाज बहुत किस दौर से गुजरा था. वो सच में बहुत गंदे दौर से गुजरा है. और please just if keep him in your prayers, even if you don't want to support him publicly, he's a good guy. That's it. Thank you, Sakshi, for joining us. Welcome. Bye. Thank you.